तो फ्रेंड ट्रांसपोजिशन को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसके बावजूद मुझे रोज़ाना 10-12 कमेंट देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हो रही है कि इस ट्रांसपोजिशन को कैसे हल किया जाता है। तो आज मैं छोटा सा वीडियो आपको बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए ट्रांसपोजिशन को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है -1 और नीचे एडिशन करके लिखा हुआ है +3। आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है। जब आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कार्ड देखते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर जो है पावर लिख देते हैं और कई लोग जो है एडिशन लिख देते हैं, तो जनरली एडिशन ही लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए -1 और नीचे है -3। अब इसका सिंपल तरीका क्या निकलेगा, सिंपल तरीका यहाँ पे देखिए नीचे की ओर, ये ऊपर का तो सेम टू सेम रहेगा, डिस्टेंस का -1 ही रहेगा, लेकिन नीचे जब वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हो जाता है +2। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप थोड़ा सा अपने दिमाग में एक प्रेशर डालिए और सोचिए कि जब डॉक्टर ऑलरेडी जो टेस्टिंग हमारा फ्रेम आता है, टेस्टिंग ग्लासेस होता है, उसमें डिस्टेंस पहले चेक किया जाता है, वहाँ पे -1 लगा हुआ है, -1 लगा हुआ है। अब डॉक्टर ने क्या किया है, उसमें +3 का एडिशन डाल दिया है, ये ऊपर से जब डाल दिया है बिना माइनस नंबर को निकाले बिना ही जब ऊपर से डाल देते हैं तो वो हो जाता है एडिशन। तो 3 नंबर का लेंस डाल दिया है, अब 3 में 1 गया तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो हमारा नीचे का जो पावर आएगा वो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा डिस्टेंस का -1 और नीचे का बनेगा +2। तो ये है बहुत ही आसान तरीका। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाले को हम देख लेते हैं। अभी अभी मुझे कमेंट आया था कि उस लिखा था कि नीचे का पावर माइनस कैसे हो गया, तो ऐसा भी हो जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर का जो पावर है -4 है और नीचे का एडिशन लिख दिया गया है +2, ठीक है, ऊपर -4 है और नीचे एडिशन है +2। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए एडिशन लिखा हुआ है। अब इसको सिंपल पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल पावर में कन्वर्ट करने से पहले आपको समझना चाहिए, जब वो पावर बनेगा तो डिस्टेंस का तो -4 ही रहेगा, लेकिन जब नियर का आप देखेंगे तो -2 आ जाता है। अब ये -2 कैसे आया, फिर से आप एक बार सोच के देखिए, जब आपके ट्रायल ग्लासेस में लगा हुआ है -4 नंबर और उसे निकाले बिना डॉक्टर ने +2 नंबर का डाल दिया, ठीक है, नियर के लिए, तो वो हो गया एडिशन, इसलिए एडिशन आ गया +2। लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो आप सोचिए 4 में अगर 2 जाता है तो 2 बचता है, और बड़ी संख्या जो है हमारे पास माइनस में है, -4, तो जो बड़ी संख्या होती है उसी का ही साइन आपको देखने को नीचे पावर में मिलेगा, तो नीचे का पावर बनता है -2। तो ये तो तरीका जो है ये बहुत ही आसान है समझने का, इसे आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब है तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो है क्रॉस नंबर में। क्रॉस नंबर का मतलब यहाँ पे देखिए +1 में -0.5 और एक्सिस है 50, एडिशन डायरेक्टली डॉक्टर ने लिख दिया है +1.5। ये आपका क्वेश्चन हो गया, +1 में -0.5 और एक्सिस है 50 और नीचे सीधा एडिशन में लिख दिया गया है 1.5। इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपल नंबर में हमको बनाना पड़ेगा। सिंपल नंबर कैसे बनेगा, +1 है और -0.5 है, तो यहाँ से हम +0.5 और सिलेंडर भी अपना प्लस में हो जाएगा 0.5, और एक्सिस जो 50 लिखा हुआ है उसमें हम 90 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 140 हो गया, और नीचे आपका एडिशन 1.5। ये आपका एक सिंपल पावर बन गया। अब आपको इसका और पावर निकालना है, ये एडिशन है अभी भी, जो नीचे 2 है वो एडिशन है। अब इसका सिंपल पावर ऊपर सेम टू सेम रहेगा और नीचे सीधा सीधा आपका +1.5 से 0.5 जो है ऊपर का जुड़ जाएगा, तो नीचे का पावर हो जाएगा +2। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये सब कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड इस बार ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसपोजिशन का फंडा क्या है, इसको कैसे समझा जाता है, कैसे हल किया जाता है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार के डाउट है तो ओम डॉक चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। बेल बटन दबाने से आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड फिर मिलूँगा एक नए टॉपिक को लेकर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।